क्या मिलेगा ऑडियंस? इस फिल्म का नाम है केयर ऑफ लव, और ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, एक जर्नी ऑफ विडो। मतलब क्या जर्नी? मैं इसमें क्या महिला सशक्तिकरण दिखाया क्या दिखा? जी बिल्कुल, जैसे एक विधवा औरत होती है उसकी लाइफ के बारे में, कि वो अपनी लाइफ को फिर से कैसे वहीं जा सकती है जहाँ पे, जहाँ से उसने शुरुआत किया था। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको इस फिल्म की, मतलब कहाँ से, क्या टॉपिक था? हाँ, ये जो है रहमान सर हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ईशा, कन्नड़ लैंग्वेज में, और उसकी रीमेक है ये। ओके, आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा? मेरा किरदार जैसे हीरो होता है, इसमें प्रेम करेक्टर है जो हीरोइन के अपोजिट है, बहुत ही शांत, शहर से पढ़ के आता है और गांव में जो खाप पंचायत आप जानते होंगे, खाप पंचायत को चेंज करता है और एक विडो लेडी से शादी करता है। ओके, फिल्म का अगर पोस्टर की अगर बात करें जो हमें नजर आता है, वो महिलाओं की सक्षम, महिलाओं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कम, और इट लुक्स लाइक एज इट इज मुगले आजम का पोस्टर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये एक्चुअली हमारा एक गाना है, उसका एक कट है, और बहुत जल्दी और सारे पोस्टर आप लोगों के सामने आएंगे। कोई खास इंटेंशन थी इस तरह का पोस्टर बनाने की, ताकि लोगों की निगाह में जल्दी आए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। रहमान सर का ये सबसे फेवरेट है जो है पोस्टर है, और उनको ये बहुत लोग बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने पोस्टर सेंसुअल, थोड़ा सेंसुअलिटी को है। नहीं, ऐसा नहीं, आप ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, एक गाने का कट है और कुछ नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऑडियंस इसलिए फिल्म देखने आएगी हमारी क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म बनी नहीं है, बहुत साफ सुथरी फिल्म, और बहुत ही मेहनत से कंप्लीट की, एक साल हो गए इस पे वर्कआउट करते करते, अब जाके कंप्लीट हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।